गाइज गुड इवनिंग। सो आज वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और गाइज हम सोच रहे थे आज सचिन भाई हुए आए हुए हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने बुलाया इन लोगों को, सचिन भाई को बड़े और धन्यवाद आपके प्यार सपोर्ट के लिए और बनाए रखो लास्ट तक बुढ़ापे तक। और भाई आ गया तो हम सोच रहे थे आज क्यों ना लॉयड कॉलेज का ब्लॉग बना लें। और लॉयड बेसिकली है क्या है, आपकी लॉ की पढ़ाई होती है वहाँ पे और बहुत अच्छा कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में, मतलब लॉ जो भी करते हैं बंदे लॉयड कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो हम सोच रहे थे आज लॉयड का कैंपस टूर बनाते हैं। सो अगर किसी को भी देखना हो तो प्लीज़ लास्ट तक देखना और हम कोशिश करेंगे एक एक चीज़ कवर करने के लिए। हाँ मेरे क्लास के ही बंदे हैं कुछ, बहुत सारे लॉयड में गए थे, वो मतलब इंजीनियरिंग वगैरह के परस्पेक्टिव से नहीं है, अगर आपको लॉ के लाइन में जाना है, जज बनना है, हथौड़ा हथौड़ा बजाना है या फिर वकीलिंग करनी है, कुछ भी वकील बनना है, तो आप उस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। आसपास की रेंज में जो ग्रेटर नोएडा का वही एक कॉलेज है, और भी हैं शारदा वगैरह, पर वो ठीक ठाक वही है। ठीक है, लॉयड कॉलेज काफ़ी है। हम भी उसके अंदर कैंपस में कभी गए नहीं है, हम भी पहली बार देखेंगे आपके थ्रू, आपका प्यार बना रहा था, हम सारे कॉलेज देख देंगे दिल्ली NCR के। ठीक है, कॉलेज भी और वास्ट मॉल वगैरह और भी चीजें सबके ब्लॉग जो जब लेंगे हम विजिट करेंगे आपको घुमाएंगे। ठीक है ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो दोस्तों हमने एंट्री ले चुके हैं लॉयड कॉलेज में। लॉयड की फुल फॉर्म पता तेरे को? नहीं पता भाई। LOYD सर्च कर लेना, लिख देना LOYD लॉयड कॉलेज ग्रेटर नोएडा, और हम आपको बता देंगे अगर हमको पता चलती है। बेसिकली लॉ के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। हाँ लॉ के लिए अच्छा कॉलेज है और काफी छोटा कॉलेज है, क्योंकि इसमें शायद एक या दो ही कोर्स हैं, ज्यादा नहीं है, तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के करेंगे क्या है, वकीलों की पढ़ाई होती है ना, गाय भैंस थोड़ी चलानी है पूरे कॉलेज में। तो ठीक है, अपने हिसाब से रेड कलर का कॉलेज है ये भी, ईंटों से जड़ा हुआ कॉलेज है। अभी आपको इसका कैंपस दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं है, पूरा कवर हो जाएगा 7-8 मिनट के अंदर, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं रहने वाला, आपकी परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत। ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा थक चुका है, तो वैसे धूप में आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं गाइस। हाँ सो टायर्ड, अब एनर्जी लेनी पड़ेगी, कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कैंटीन वगैरह मिल जाए। GNIIT में भी कैंटीन बंद पड़ी थी, तो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। ये अंदर लॉयड का बिल्कुल फ्रंट का व्यू है, आप देख सकते हो। ठीक है, धूप काफ़ी हो रही है, बड़ा बड़ा ब्रांड लॉयड लिख रहा है। अरे ये देख खरगोश क्या है? अरे कौन है? खरगोश ना भाई, ये शायद वो है कठफोड़वा, जो भी कठफोड़वा। इधर से हम गए थे, इधर से आए हम, ये देख लो फ्रंट व्यू। ठीक है, अंदर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें एडमिशन लेना नहीं है, आप जाना जाओ एडमिशन लेने। ये अपना पार्क है, आप देख सकते हो, छोटा सा पार्क है, कॉलेज के हिसाब से ठीक है, ठीक जब बच्चे है। इतने तो पार्क ज़्यादा बड़ा बना करेंगे क्या। ये अपना स्टोर रूम है, जनरेटर वगैरह लग रहा है, पार्किंग आपकी, टाटा की गाड़ी खड़ी है, ये देखो टाटा मर्सिडीज और तुम्हारी हुंडई वगैरह सब खड़ी हैं। फॉर्चूनर नहीं है भाई, फॉर्चूनर ये है, फॉर्चूनर अपने भाई बड़ी तगड़ी। तो देख सकते हो भाई, छोटा है पर खोटा है, मतलब बिल्डिंग काफ़ी अच्छी लग रही है अपने साथ, पूरा शारदा जैसे कैंपस से लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ईटो शारदा का मिनी वर्जन है, मिनी वर्जन। ये देख रहे हो भाई, ये यहीं से हम लॉयड के अंदर खड़े हैं, ये सामने वाला IILM IILM दिख रहा है, अगर हमको मौका मिला तो इसका भी व्लॉग बनाएंगे बिल्कुल जल्दी, अगर आप डिमांड करोगे तो। ठीक है, ये पार्किंग है पूरी वहाँ तक, और पीछे बाइक वगैरह भी खड़ी हैं, और हर क्लास में AC लगे पड़े हैं। ठीक है, गुरी आया था यहाँ पे, गुरी नहीं है, ये वो है जसमानक, सॉरी जसमानक आया होगा, आया था यहाँ पे, आया था, मैंने देखा था ये पेज में देखा। तो भाइयों, अरे भाई साहब कैंपस, ये तो बिल्कुल उसी की तरह है, लॉ कॉलेज की तरह लग रहा है, हम लॉ कॉलेज, लॉ कॉलेज लग रहा है, व्यू देख रहे हो आप, बाहर से जबरदस्त, बाहर से नहीं लग रहा था भाइयों, मैं बताऊँ लॉ कॉलेज होगा, पर अंदर से तो बिल्कुल अच्छा बना रखा, प्रोफेशनल था, ग्राउंड देखो कितना बड़ा, बीच में गिल्ली डंडा वगैरह कुछ भी खेलो, कंचा खेलो, कोई दिक्कत नहीं। ये गमले हैं भाई, इनमें रोज़ पानी दिया करना आप जब एडमिशन ले लोगे। ठीक है, ये हम इधर से आए, फॉर्चुनर खड़ी हो रही, ये अपने पता नहीं कौन है, देख लेना आप, ये अपने पेड़ हैं, हरियाली ठीक ठाक है, और ये सेमिनार हॉल, सेमिनार हॉल करके कुछ लिख रहा है, पता नहीं क्या है, वे टू सेमिनार हॉल। हाँ ये अपनी भाई यहाँ पे स्टेज है छोटी सी, अरे वो कैंटीन मिल गई, चल अब खाएंगे दवा के। तो भाई ये जैसे सीढ़ियाँ यहाँ से आप मतलब बैठ सकते हो, हाँ और सीक्वेंस में बैठ के आप यहाँ से कोई भी खेल देख सकते हो आप, जो भी आपका चल रहा है आप, और यहाँ से वाह वाह लूट सकते हो अपनी। देखो चलो पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, ये सामने कैंटीन है, ये देख सकते हो आप, कैफेटेरिया कैंटीन है, अभी हम जाएंगे, हमारे बजट का कुछ होगा तो ज़रूर खाएंगे, बजट का अरे खा के निकलेंगे।
ठंडा। जब हमारे सब्सक्राइब इतना प्रीमियम है तो हम खाएंगे भी प्रीमियम चीज। और भाई सुन, ये स्क्रीन है, अरे ये प्रोजेक्टर है भाई, यहाँ पे लाइव मैच वगैरह कुछ देख सकते हैं, देख सकते हो जैसे आपको कुछ लाइव देखना है, जैसे मैच वगैरह चलता होगा तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठ जाते होंगे और यहाँ से देखते होंगे भाई क्या व्यू, मजा आता हुआ है लग रहा है भाई लॉ के कॉलेज में। और देखो सामने से आपको NIT का वो भी दिखेगा। हाँ ये NIT का, NIT पता है आपको हर किसी कॉलेज में चलेगा, यहाँ आसपास में बिल्कुल बीच में आगे कोर्ट वगैरह बैडमिंटन के आप देख सकते हो, जूम करके दिखा रहा हूँ। धूप हो रही है भाई, इसका मतलब हमें जाने का मन नहीं कर रहा वहाँ, सही बताऊँ तो मैं, आप वो मत करना कि वहाँ से पास से नहीं दिखाया, तो धूप ज़्यादा हो रही है ठीक है, हम आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। आपको कैंटीन पे चल के दिखा भाई, ये पास से दिखा रहा हूँ, कितने मंजिल है गिनी और बतेरी है भाई, एक दो तीन चार, चार मंजिल, एक ग्राउंड फ्लोर मतलब चार पाँच ही पाँच है। लॉयड देखो भाई मैं क्या कह रहा था, हर कॉलेज अपना रैंक वन बताता है, मैं नहीं कह सकता कि रैंक वन है या नहीं, मैं अपने ऊपर सरदर्दी नहीं ले सकता, आप देख लेना ठीक है, ये देख सकते हो आप। पर यार धूप का एक फ़ायदा था भाई, बता क्या है, क्या कि धूप में व्यू एकदम क्लियर आता है उजाले में, वीडियो में हमारे हमारे दोस्तों को दिक्कत नहीं होती अंधेरा कोई ऐसी कोई होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। हाँ तो अब कुछ खवा दे कैंटीन से, चले ए हेलमेट मत फेंक, नया आ जाएगा अब ऐसे ही बहुत पैसा बचा जी, जरूर नया आ जाएगा। तो भाई ये शीशे लग रहे हैं इस कॉलेज में, ये अपने ब्लॉग रचित भाई और अपने योगी सूरजपुरिया, और अपना आप देख सकते हो ये हमारा ब्लॉगिंग सेटअप है, ओम नमस्ते वाले लिखा हुआ है, आप वीडियो देख लो आप कितनी भयंकर आएगी, सेटअप इतना तगड़ा था ठीक है। सो अंदर आपको क्लास में चल के दिखाते हैं, बिल्कुल कितने बड़े बड़े हैं इन्हें तो उठा दे तीन चार आदमी होंगे पानी ये कम से कम चार पाँच लीटर पी जाते हैं। सचिन भाई थक गए हैं तो पानी वानी पी के एकदम फ्रेश हो रहे हैं, एकदम लॉयड का भी इस पर भी टैग लगा रखा है ठंडा पानी का, अच्छी बात है, ठंडा पानी सचिन एवरेज भाई, ज्यादा मत पी, धूप में से ठंडा पानी पिएगा तबीयत खराब होगी, सही बात है भाई, तूने मेरी जान बचा ली। तो गाइस ये देख लो तैयारी चल रही है, टाइल वाइल्स आई है कॉलेज में, अभी थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ये कुछ लैब टाइप्स लग रही है मेरे को ये वाली सामने। तो गाइस ये देखो यहाँ टाइल वगैरह का काम चल रहा है अभी ठीक है, जय सरस्वती माँ अपनी विद्या की देवी, लॉयड सेंटर, और ये पानी पी कर यहाँ से आया हूँ देख सकते हो, और ये कोई कोई होंगे आप देख रहे हैं, ये भाई अपनी लैब है, थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ, ये अपने लॉयड के 2017 में कौन कौन सी कंपनी आई थी, 18 में कौन कौन सी कंपनी आई थी, और लॉकडाउन में कौन कौन सी कंपनी आई है, ये सब लगे हुए हैं और इनके तारे लगे हुए हैं, तो हम आपको अंदर से दिखा नहीं सकते सब चीज़। सो आप देख सकते हो ये है यहाँ से व्यू, ओ वाह यार वाह क्या व्यू है, लादो भाई गहरा पिक लो यहाँ पे, यानी कि भाई पहले अपने जो दोस्त हैं उनका व्लॉग कंप्लीट करने लो, फिर आराम से लेंगे पिक, ये एडमिशन से ला गया ठीक है ना भाई। एनिमल हाउस फैसिलिटी ये पता नहीं क्या है, यहाँ पे जो लड़ाई वगैरह करते होंगे उनकी सुटाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस लॉयड कॉलेज का आपको रिव्यू कैसा लगा, हमने रिव्यू तो नहीं है व्लॉग बनाया ठीक है, ये बताना बिल्कुल कैसा लगा, और आपके जो नज़र में आसपास और भी कॉलेज का व्लॉग चाहते हो तो बता देना, बिल्कुल कमेंट कर देना ठीक है, और आप कॉलेज में लेने जा रहे हो तो आप एक बार और चेक कर लेना ठीक है, हम क्योंकि BTech के बंदे हैं हमें उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्या बोलते हैं लॉ वगैरह में की फील्ड से, तो आप देख लेना, हमने कैंपस हमने दिखा दिया कैसा है, कैंपस हमने दिखा दिया है, और ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।